क्या आप भी एक डायबिटिक पेशेंट हैं? क्या आपका शुगर लेवल भी घटता बढ़ता है? खाना खाने के बाद आपका शुगर लेवल कभी 250 यानी 250 हो जाता है, कभी 180 यानी 180 हो जाता है, कभी कभी आपका शुगर लेवल 220 यानी 220 हो जाता है, तो कभी 200 यानी 200 यूनिट शुगर लेवल हो जाता है खाना खाने के बाद, और ये बहुत टेंशन क्रिएट करता है। फिर आप सोचते हैं कि नॉर्मल शुगर लेवल कितना होना चाहिए, यानी खाना खाने के बाद नॉर्मल शुगर लेवल की रेंज क्या होनी चाहिए, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप पहली बात को समझ लें, अगर आप अपने डायबिटिक प्लान में यानी आप डायबिटीज में बहुत अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रख रहे हैं, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम खा रहे हैं या नहीं खा रहे, उसकी जगह आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट एक प्रॉपर रेशियो में खा रहे हैं, और उन्हें खाने के बाद यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद जब आप अपनी शुगर लेवल चेक करते हैं और वो 180 यूनिट या 200 यूनिट आए, तो ये नॉर्मल है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको एक काम और करना है, आप जब खाना खाने के 2 घंटे बाद अपना शुगर लेवल नापते हैं तो वो 180 या 200 यूनिट आया, उसके 3 घंटे बाद फिर आप अपना शुगर लेवल नापे, वो पक्का कम आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपने मान लीजिए 12 बजे खाना खाया, अब 12 बजने के 2 घंटे बाद यानी 2 बजे आप अपना शुगर लेवल चेक कीजिए, मान लीजिए वो 180 यूनिट या 200 यूनिट आया, फिर आप अपना 5 बजे शुगर लेवल चेक कीजिए, वो पक्का घटकर ही आएगा। कारण ये हुआ कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के 1 से 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर अंदर शुगर लेवल बढ़ता ही है, चाहे कोई डायबिटिक पेशेंट हो या डायबिटिक पेशेंट ना हो, ये एक सिंपल सी थ्योरी है। अब आप एक दूसरी बात समझ लें, दूसरी बात यह है कि अगर आप अपनी डाइट में यानी डायबिटीज होने के बाद भी आप कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं जिससे शुगर लेवल बढ़ने का खतरा होता है, जैसे अगर आप अपनी डाइट में आलू, शकरकंद, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, चाय, कॉफी ये सब खा रहे हैं, या फास्ट फूड वगैरह का ज्यादा यूज कर रहे हैं, या अल्कोहल का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आपकी शुगर लेवल बढ़कर ही आएगी। फिर खाना खाने के बाद यानी इन सब चीजों को खाने के 2 घंटे बाद अगर आप अपनी शुगर लेवल चेक करें और वो 200 यूनिट या 250 यूनिट या कभी कभी 300 यूनिट भी आए, तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आप चीज ही ऐसी खा रहे हैं तो शुगर लेवल तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसमें भी आप वही काम करें, एक बार आप खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर लेवल नापे और फिर उसके 3 घंटे बाद शुगर लेवल नापे, जैसे 12 बजे खाना खाया तो 2 बजे शुगर लेवल नापे, और फिर आप 5 बजे शुगर लेवल नापे, तो 2 बजे तो बढ़ी हुई शुगर लेवल आएगी लेकिन 5 बजे तक वो घट जाएगी। कारण वही, जब हम खाना खाते हैं तो उसके 1-2 घंटे या 3 घंटे के बाद शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे और आपका शुगर लेवल कम हो रहा है तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और अगर वो कम नहीं हो रहा तो आप अपने सतर्क हो जाएं, आपको अपनी डाइट में बहुत चेंज करने की ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट से राय लेने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ आप एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, योगा जरूर करें, और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे मेथी दाना का पानी, दालचीनी, त्रिफला चूर्ण, करेला या जामुन के जूस वगैरह या आंवले के जूस वगैरह का प्रयोग जरूर करें। ये सब प्रयोग करने से और डायबिटिक डाइट प्लान यानी अपनी डायबिटीज़ में अपने खान पान पर कंट्रोल करने से शुगर लेवल पक्का कम हो जाता है, यानी जो आपका बढ़ा हुआ शुगर लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में होने लगेगी, आपका शुगर लेवल बैलेंस हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।